जैसा कि आगामी कलाकार गा करके गए और लिखा किसी विद्वान ने और कहा आया है सो जाएगा और ये राजा रंक फकी कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंध्यो जात जन। बात तो समय की है, जिस समय सुलोचना अपने महलों में सोई हुई है तो सुलोचना रात्रि में एक स्वप्न देखती है। सुबह हुआ मंदोदरी के पास में आई और आकर के मंदोदरी से कह रही अम्मा रात्रि को मैंने एक सपना देखा। तो सुलोचना पूछ रही है बेटी, मंदोदरी पूछ रही है बेटी तूने देखा देखा क्या? तो देखिए सुलोचना जवाब दे रही और कह रही भैया कैसे अरे क्या बात लाऊ दिल हाले सास जी सब श्रृंगार अरीरी मेरा लुट गयो सब श्रृंगार और पति पति बालक्ष्मण ने मारे मेरा जीवन भयो बेकार पति भैया कहा क्या कहा अरे कटके भुजा महल में आई आई ए माँ ए कटके भुजा महल में आई चाली लड़ी को हाल बतायो है ओए अरे लक्ष्मण यति लक्ष्मण यति नींद सब त्यागी लक्ष्मण यति नींद सब त्यागी जाने वो कुमार गिरायो है लक्ष्मण यति नींद सब त्यागी। इक्यावन रुपए का पुरस्कार अंकल जी दे रहे बहुत बहुत धन्यवाद। और इक्यावन रुपए का पुरस्कार अरविंद गांगरोली उनकी तरफ से आया बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कहा क्या कट के भुजा महल में आई जाने रड़ को हाल बतायो है और लक्ष्मण यति नींद सब त्यागी वो कुमार गिरायो है। तो मंदोदरी कह रही है कि बेटी सब्र कर। तो सुलोचना ने कहा ए माँ अरे मैं कैसे सबर मरे को कर लूं। भैया क्या कह रही है अरे कैसे सबर मरे को कर लूं ओ मेरा दियो हाँ मेरा दियो कलेजा फार पति लक्ष्मण ने मारे मेरो जीवन भयो बेकार पति लक्ष्मण ने। और देखिए दूसरे बंद में कह रही है और फिर से 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया अरविंद अरविंद गांगरोली उनकी तरफ से आया बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कहा अरे हल्दी के दाग अब ही ना छूटे क्योंकि कहते चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है झूठे अफसानों से ये दिल नहीं भरता यारो झूठे अफसानों से ये दिल नहीं भरता यारो घर में जब उल्हास हो बारात बुरी लगती है। तो कह रही है माँ
हल्दी के दाग अबई ना छूते ओए भयो न बेटी बेटा है और माँ कैसे सबर करूँ मेरी सासुल कैसे सबर करूँ मेरी सासुल ले गयो करम लपेटा है कैसो सबर करूँ मेरी सासुल जब कहा अरे रामा कल में शीश पति को मरने मारे और सुनिए गाने का लास्ट बंद श्लोचना कह रही है माँ दो अब ले लो सभी ले लो माँ आपसे मेरा एक निवेदन और वो निवेदन क्या किया भैया कहा क्या ये जी प्राणपति को शीश मंगा दे कहा है सुन मेरी बात हो तू प्राणपति को शीश मंगा दे मैं संग सती है जाऊंगी ओए अरे इतनो सो काम कराए दे सासुल इतनो सो काम कराए दे सासुल गुन तेरे में गाऊंगी इतनो काम कराए दे सासुल और 100 रुपए का पुरस्कार मान सिंह जी दे रहे हैं सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी भैया कहा क्या एजी प्राणपति को शीश मंगा दे संग सती है जाऊंगी इतनो काम कराए दे सासु गुन तेरे में गाऊंगी और देखिए कवि लिख रहा है भैया क्या अरे कई घन श्याम गामे पतलोनी अरे कई घन श्याम गामे पतलोनी ओ तेरी नैया बाबा नैया रुपया नहीं नहीं आगे दे जाओ गानो खत्म है रो है सबन ने तो दी जाते अगर जी छोरा दे रो रुपया भैया 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया अरविंदर गांगरौली से दे रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे 100 रुपया बचेगा हम तो 50 है तुम्हारे हमारे 50 है कहा अरे कई घन श्याम गामे पतलोनी ओ तेरी नैया अरविंद नैया है जाहे पार्वती लक्ष मन ने मारे मेरा जीवन भयो बे बोले बाबू बिहारी ना